मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह हनुमान जी का फोटो लगा केक काटते नजर आ रहे हैं। केक का स्ट्रक्चर मंदिर की तरह है। इसके फोटो और वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने इसे भगवान श्री राम और हनुमान जी का अपमान बताया है। ये वीडियो छिंदवाड़ा के शिकारपुर का है, जहाँ एक दिन पहले उन्होंने यहाँ एक केक काटा था। पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन 18 नवंबर को है, लेकिन उनके प्रशंसक और पार्टी कार्यकर्ताओं ने पहले ही उनका बर्थडे सेलिब्रेशन किया। बीजेपी ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर इसे गलत बताया, कहा यह हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है। केक 4 लेयर का है, नीचे पहली लेयर पर लिखा है हम है छिंदवाड़ा वाले, इससे ऊपर दूसरी परत पर जिवेद शरद सतम, तीसरी पर माननीय कमलनाथ जी और चौथी लेयर पर जन नायक लिखा हुआ है। चौथी लेयर पर हनुमान जी का फोटो है। केक पर मंदिर की तरह शिखर है, झंडा लगा हुआ है। कमलनाथ केक काटते नजर आ रहे हैं, साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता और दूसरे लोग भी हैं। छिंदवाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पूर्व सीएम कमलनाथ ने भले ही हनुमान जी का मंदिर बनाया है, लेकिन उनकी मंदिर में जरा भी आस्था नहीं है। अक्सर उनका पूरा परिवार और वे खुद हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कमलनाथ और उनका परिवार पिकनिक मनाने छिंदवाड़ा आता है। अभी तो उनकी जमीन खिसकती दिख रही है, क्योंकि वे 15 महीने मुख्यमंत्री रहे, लेकिन चुनाव से पहले किए गए अपने वादे पूरे नहीं कर पाए। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि यह घटना निंदनीय दुखदाई है। इनका जन्मदिन अभी नहीं है, लेकिन नौटंकी करते हुए 5 दिन से छिंदवाड़ा में अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोग बताते हैं कि यह अंडे का केक था, क्या अंडे के केक पर हनुमान जी का फोटो लगाना ठीक है? अभी तो ये गुजरात के स्टार प्रचारक है, लगता है कि ये वहां पर संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू धर्म का मजाक उड़ाओ और चुनाव जीतो। हनुमान जी का फोटो वाला केक काटने का वीडियो सामने आने के बाद मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ हो या कांग्रेसी, वैसे तो ये सब नास्तिक हैं, भगवान को मानते ही नहीं है। ये कहते हैं राम काल्पनिक है, लेकिन देश के अंदर एक नई क्रांति आ गई, राम मंदिर निर्माण हो रहा है, ये इनको समझ आ गया। वोट की राजनीति के लिए धार्मिक बन रहे हैं, अच्छी बात है, नास्तिक भी आस्तिक बन रहे हैं, ये हमारी सफलता है, ये हमारे आंदोलन राम जन्मभूमि की जीत है कि नास्तिक भी आस्तिक हो रहे हैं। लेकिन भगवान की भारतीय संस्कृति के अनुसार पूजा अर्चना करें, ना कि पश्चात संस्कृति की तरह केक काटें। इसकी तो जनता भी आलोचना कर रही है। भोपाल में बीजेपी में प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने कहा, सनातन धर्म के अपराधियों को तोड़ने और काटने का मंसूबा जब मुगलों का सच नहीं हो पाया तो कमलनाथ का कैसे हो पाएगा? वो तो हिंदू धर्म की सहिष्णुता है जो वे ऐसे कृत्य करके भी बच जाते हैं, अन्यथा मैं चुनौती देता हूं कि उन्होंने अगर किसी दूसरे धर्म के आराध्य का ऐसा केक काटा होता तो सिर धड़ से अलग करने के नारे लग जाते। कमलनाथ को सनातन धर्म से माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस को भी इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस मीडिया विभाग को उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रहता नहीं है, तो धर्म और लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। कमलनाथ हनुमान जी के भक्त हैं, उनके समर्थक हनुमान जी के फोटो वाला केक लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कमलनाथ ने इस केक को नहीं काटा, दूसरे केक को काटा है। भाजपा ऐसे मुद्दे लाकर अपनी दुकान चलाने का काम करती है, ये छोटी और निम्न स्तर की राजनीति है।